ये क्वेश्चन आया जी, मिनिमम हाउस कॉस्ट क्या है टू पीपल। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। देखो, विदाउट एडिटिंग मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। लगातार अब मेरी वीडियोस आई जाएंगी, 10-10-12 मिनट के अंदर मैं सारे डाउट आपके क्लियर करता जाऊँगा। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो आपका कितना खर्चा हो सकता है। जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, बाकी अप्रॉक्सीमेटली खर्चा बताऊँगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना दायरा होता है, अपना अपना खर्चा करने का ढंग होता है। तो गाइज देखो, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के बेसिस के ऊपर आ रहे हो या आपने परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर आ रहे हो, PR लेके आ रहे हो, या टेम्परेरी वीज़ा होल्डर हो, प्रोविजनल वीज़ा, जैसे 489 मैं आया था यहाँ पे, तो मैं अभी 489 के ऊपर था पहले, अभी मैंने 887 वीज़ा अप्लाई किया हुआ हुआ, तो मेरे को कौन कौन से खर्चे करने पड़े थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आया था अपनी फैमिली के साथ, मी माय वाइफ एंड माय डॉटर, तीन जन का खर्चा आपको मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि देखो, आप उस अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट लगा लेना कि मेरा इतने का खर्चा हो सकता है। दो तरीके के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, शेयरिंग बेसिस के ऊपर या अपना यूनिट या घर लेके। मैं शेयरिंग बेसिस के ऊपर नहीं रहा हूँ और यूनिट लेके मैं पहले रह रहा था, और ये मैंने 3-bedroom हाउस खुद रेंट के ऊपर लिया हुआ है, ये रेंट के ऊपर ही है अभी, ठीक है। घर अपना लिया नहीं है, वो इन फ्यूचर में जाके लेंगे, अभी तो 3 साल हुए हैं हमारे को यहाँ पर आए हुए, और लोगों को 7 से लेकर 10 साल लग जाते हैं घर बनाते हुए। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, खर्चा क्या है, एक्सपेंस क्या है, और आप कितनी देर में घर ले पाओगे। चलो ये तो अलग मुद्दा हो गया। अब दो जनों का खर्चा कितना है मैं आपको बता देता हूँ, आप खर्चे नोट डाउन करते जाना, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितना खर्चा होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं खर्चा रेंट का, अगर तो आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो, दो जाने का शेयरिंग बेसिस के ऊपर 250 से लेकर 320 तक आपको खर्चा देना पड़ेगा पर वीक के हिसाब से, अगर आप सिंगल फैमिली के हो, सिंगल फैमिली, ठीक है। शेयरिंग रूम में 3-4 bedroom हाउस होंगे, उसके अंदर आपको एक रूम मिल जाएगा। उसमें आपको परेशानी क्या आएगी कि कई बार आपने सोना होता है, कई बार जागना होता है, कई बार कहीं जाना होता है शेयरिंग बेसिस के ऊपर, तो बाकी लोग भी साथ में होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, शुरू के टाइम के ऊपर आप थोड़ा सा समय काटो, अगर हस्बैंड वाइफ हो फिर तो चलो बंदा मैनेज कर लेता है, ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, कोई बाहर आ रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, मतलब म्यूचुअल में होता ही होता है। अगर सिंगल बंदा है वो तो काम पे चला गया, उसको भी दिक्कत आ सकती है कि जब आपने सोने का टाइम आता है उस टाइम के ऊपर बाहर कोई टीवी लगा के बैठ जाए, वो डिपेंड करता है। मतलब शुरू में सारा कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है, बिकॉज आप यहाँ पर आए हो, पैसा कोई आया नहीं है हमारे पास, कमाना शुरू किया नहीं है, और आते ही अगर हम $500 का एक हफ्ते का घर ले लें तो वो बेवकूफ़ी है, मैं तो आपको ये भी नहीं कहूँगा। तो वैसे भी आपको यहाँ पर जब घर मिलेगा, तो जब आपने अपने नाम के ऊपर यूनिट लेना है या घर लेना है, रेंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मांगते हैं हिस्ट्री आपकी, कि क्या हिस्ट्री है, क्या बैंक बैलेंस है, क्या काम करते हो। शुरू के अंदर आपके पास ना आपकी हिस्ट्री बनी हुई है, ना आपका बैंक बैलेंस होगा इतना, ऑब्वियसली बात है। बाकी अगर आप ज़्यादा पैसे ले आए हो वो बात अलग है। तीसरी बात, आपका जॉब नहीं है, जॉब और आपकी रेंटल हिस्ट्री, ये दो मायने होते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं ये सारी चीज़ें जब आपने अपना यूनिट और घर लेना है। आप दो तरीके के साथ घर ले सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऑनर से कंटेक्ट कर लो, या तो आप कंपनी के थ्रू ले सकते हो। जब आप डायरेक्ट ऑनर से कंटेक्ट करते हो तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती नहीं है, सीधा डायरेक्ट ऑनर के साथ आप बात करो, उसको अपनी रिटर्न दिखाओ, रिटर्न आपकी भरी नहीं होगी, उसको बताओ कि मैं इतना पैसा है मेरे पास और मैं ये जॉब करता हूँ, तो इतनी मतलब होता नहीं है, ठीक है। जो अगर आप किसी कंपनी के थ्रू करोगे, जैसे मैंने ये लिया है, ये मैंने को 6 महीने बाद घर मिला जाके, 6 महीने से मैं 3-bedroom हाउस ढूंढ रहा था अपने घर वालों को बनाने के लिए, मैं 3-bedroom हाउस ढूंढ रहा था, ठीक है। तो जब कंपनी के थ्रू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वो चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक करेंगे, रेंटल हिस्ट्री चेक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट कितना है वो चेक करेंगे, आपका सारी चीज़ें A to Z चेक की जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो ये खर्चा हो गया हमारा सबसे बड़ा खर्चा, जो आपको सबको चुभेगा कि किराए के घर में रहना है, पर यहाँ पर रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये पहला खर्चा हो गया, वो जो खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहोगे तो 250 से 320 के बीच में, प्लस अगर आप अपना घर लेके रहोगे
तो उस केस में क्या होगा, 350 से 400 के बीच में 2 बेडरूम हाउस की बात कर रहा हूँ मिल जाएगा आराम से। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, अगर आप दूर चले जाओगे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, कौन से एरिया में सिटी के नज़दीक चले जाओगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर महंगा होगा। अगर आप बच्चे वाले हैं तो यहाँ पर स्कूल अगर ज़्यादा है अच्छा है, स्कूल भी देखता मायने रखता है। एडिलेड में हमारे वहाँ पर ग्लन साइड के ऊपर बहुत अच्छे स्कूल हैं रोज़ पार्क, और वहाँ पर 3 बेडरूम हाउस का जो किराया चल रहा है वो 400 से 420 के बीच में चल रहा है। थोड़ा सा पीछे आ जाओ 350 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी स्कूलिंग करवानी है ना बच्चों की, तो आप उस जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में क्या था, चाहे 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर हम दूर रह रहे हैं स्कूल से, तो हम उस स्कूल में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल हर एक सबर्ब में होते हैं, आप उस एरिया में ही डाल पाओगे। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ होल्डन हिल में और फिर मैं डाल पाऊँ उसको रोज़ पार्क में, पहले आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे कि आप यहाँ पर रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, प्रूफ मांगेगा, ठीक है। और ये तो हमारा वो खर्चा हो गया। अगर प्राइवेट स्कूल है वो उसका कोई इश्यू नहीं है, प्राइवेट तो कोई भी एडमिशन करवा सकता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा खर्चा हो गया जी ग्रोसरी का, जितने मेंबर उतना खर्चा। अब मैं फैमिली के साथ पहले रह रहा था तो मेरा पूरे महीने का अप्रॉक्सीमेटली $2,500 से $3,000 के बीच में खर्चा आता था 3 जन का, रेंट डाल के, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये वो हो गया। अब एक तो रेंट का खर्चा हो गया घर में, दूसरा आपका हो गया जी ग्रोसरी का खर्चा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 जने की ग्रोसरी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना खाते हो कितना पीते हो, 150 से लेकर 200 के बीच में आराम से ग्रोसरी हो जाती है, या इससे कम भी हो जाती है कई बार, कोई इश्यू नहीं है उसका। और तीसरा खर्चा आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का, चौथा आ गया आपका गैस का। अब आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहोगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी और गैस कई बार जो आपको घर दे रहा है वो कह देता है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस और इंटरनेट बीच में ही है, कई बार आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें पूछ कर उससे साइन करना, और कभी भी आप, मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिए 6 महीने तक का या 3 महीने तक का, चलो 3 महीने का तो वो इशू ही नहीं है जब आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहते हो, क्योंकि अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहते हो और कई बंदे कहते हैं कि हमें 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये, कल को आपको कोई परेशानी आती है शेयरिंग बेसिस के ऊपर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, रहना ही पड़ेगा आपको। तो ये सारे खर्चे हो गए, स्कूलिंग का अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो स्कूलिंग का खर्चा पड़ेगा, और अगर 2 जने आ रहे हो उसके अंदर स्कूलिंग का कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। और फिर आता है हमारे पास इंटरनेट का खर्चा हो गया, टेलीफोन का खर्चा हो गया, सारी चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी महीने का महीने, ठीक है। 2-3 जाने का सारी चीज़ें डाल के $2,500 से $3,000 के बीच में खर्चा आ जाता है एक सिंगल फैमिली का 3 जानों का, ठीक है। ये मेरा एस्टिमेशन है, अब आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा बढ़ेगा, रेट सारे बढ़ गए हैं। जब मैं यहाँ पर आया था 2019 में, जो मिल्क का रेट था वो 2 point something था, 2.80 था, पता नहीं 2.90 और 2.80 ऐसे था। फिर अगले साल 3 point something हो गया, इतना हो गया, फिर उसके बाद अब ज़्यादा महंगा हो गया। वो डिपेंड करता है, महंगाई बढ़ रही है, अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो आपकी किस्त है वो भी बढ़ चुकी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, राइट। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि पे नहीं बढ़ रही है, पहले यहाँ पर पे रेट था जो मिनिमम वो कम था, अभी 20 point something है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप गाड़ी लेते हो उसका अलग से खर्चा, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो आप पे करके आए हो उसका खर्चा, अगर आप 489 वीज़ा के ऊपर आए हो आपको यहाँ पर इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, उसका खर्चा, फैमिली का कम से कम 350 खर्चा आ जाता है 489 वीज़े के ऊपर। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले से ही अपनी फ़ीस जो है वो पे करके, मतलब इंश्योरेंस जो है वो पे करके आए हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली $2,500 से लेकर $3,000 के बीच में एक सिंगल फैमिली का खर्चा आता है 3 जानों का। अगर 4 जाने का हो जाता है फिर उस हिसाब से खर्चा आता है, क्योंकि जितने जाने बढ़ेंगे उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम ज़्यादा होगी,
पानी का भी ज़रा होगा। हाँ, पानी की बात करता हूँ, अगर आप अपना ये घर लेते हो, सिंगल घर लेते हो, उस केस में आपको पानी का बिल खुद पे करना पड़ता है। अगर आप यूनिट में रहते हो, उस केस में ना पानी का बिल मैंने पे नहीं किया था, क्योंकि सभी यूनिट का सेम ही आता था, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यूनिट में रहना पसंद करते हो, शेयरिंग बेसिस के ऊपर पसंद करोगे कि आगे जाके घर। मेरी अगर सलाह मानो, मेरा ओपिनियन क्या है कि जितनी देर तक आपको अपना यूनिट नहीं मिलता है, सेपरेट रहो। पहली बात तो ये कि सेपरेट में ज़्यादा बेनिफिट है, अपना खाओ पियो, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, कोई झिझक ही नहीं है। शेयरिंग बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत ना परेशानी आ ही जाती है। जो शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट करें कि भाई क्या क्या आपको परेशानी आए, और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। बाकी आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो पूछ लेना, हम इसके ऊपर फिर वीडियो बना लेंगे। और नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का। टेलीग्राम के अंदर ग्रुप के अंदर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहता हूँ, जितनी हेल्प हो सके। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस हम आती रहेंगी।